वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिटर्न ऑफ द लाइट। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेसिकली जुपिटर के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जुपिटर जो है वो पूरे 360 डिग्री जो जोडियक बेल्ट है हमारा उसमें किस प्रकार से मूव करता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसकी रेट्रोग्रेशन होती है, कैसे कैसे वो डायरेक्ट होता है, कहाँ पे वो स्टॉप होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग को जानने लायक है, जो हम लोग कभी ना कभी उसके बारे में सोचा ही होगा कि किस तरह से वो मूव करता है, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें जुपिटर जो है वो स्काई में दिखता है। तो उसके लिए हम लोग पुलअप्स कर लेते हैं अपने कॉन्स्टेलेशंस को और ढूंढ लेते हैं जुपिटर को कि वो इस वक्त कहाँ पे स्थित है। तो ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जुपिटर है और इस जुपिटर को हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और इस सेंटर अलाइनेशन के बाद हम लोग जुपिटर का मोशन देखेंगे इस पूरे जोडियक बेल्ट में कि किस प्रकार से हो रहा है। उसके लिए अपन इसको लाइन मार्कर्स को अप कर लेते हैं प्लानिटरी ऑर्बिट्स को, और इस प्लानिटरी ऑर्बिट से अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जुपिटर जो है वो मूव करने वाला है। तो जुपिटर की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो करेंटली जो पोजीशन है वो है इस समय भोपाल की, और ये 2017 दिसंबर का टाइम है जब जुपिटर इज इन लिब्रा, और ये अराउंड 18 सितंबर 2017 को लिब्रा में एंटर किया था। तो हम लोग इसका 360 लगभग 12 इयर्स का जर्नी देखने वाले हैं। अभी 12 इयर्स हम इसको अपने सामने ही बिताएंगे। तो इसकी जर्नी को हम लोग शुरू कर दिया है। तो हर एक जोडियक साइंस की खासियत है कि उसमें जुपिटर एक बार रेट्रोग्रेड होता है, और दिस इज द आप जो देख रहे हो कि अभी जैसे जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हुए लिब्रा में अब डायरेक्ट हो गया है और इस फॉर्म में वो मूव कर रहा है नेक्स्ट साइन में। और ये आपको हर साइन में आपको ऐसा समझ में आएगा कि जुपिटर किस प्रकार से मूव कर रहा है। तो अभी जुपिटर स्कॉर्पियो में एंटर करा है और इसमें मूव करेगा, और इसमें फिर से ये रेट्रोग्रेड होगा, और फिर जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये पॉज हो चुका है और ये अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये बैक हर ही एक साइन में जुपिटर मूव करता है बैकवर्ड, और एक साल में ये कंप्लीट करता है अपना ये जर्नी। बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है हर अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, और हमेशा बेनिफिक करता है, हमेशा उसकी चीज़ों में बहुत इन्हांस करता है, एक्सपेंशन का मालिक है, गुरु विजडम नॉलेज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही हैं जो जुपिटर से देखी जाती है किसी भी चार्ट में। तो इस फॉर्म में, और जो जुपिटर के जो साइन हैं एक्चुअली वो दो राशि आती है उसके अंतर्गत, जो कि धनु राशि है जिसमें अभी आप देख सकते हो जुपिटर को, और जो नेक्स्ट राशि है वो मीन राशि है। तो दो राशि, और अभी आप देख सकते हो सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन हुआ था, और सैटर्न और जुपिटर दोनों ही कैप्रिकॉर्न में कंजंक्ट हुए हैं, और फिर अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और सैटर्न के करीब आएगा, लेकिन वो दूसरे साइन में एंटर कर चुका है जबकि सैटर्न इज रिमेनिंग इन कैप्रिकॉर्न। तो इस फॉर्म में जुपिटर जो है वो दो राशियों को होल्ड करता है, पाइसिस है और दूसरा सेजिटेरियस है। और जो जुपिटर की एग्जॉल्टेटेड पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कैंसर बताई जाती है कि कैंसर में जुपिटर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पॉइंट पे अपनी रिजल्ट्स देता है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये आ चुके हैं हम लोग जुपिटर की पाइसिस, जो उसकी स्वराशि ही है और उसमें जुपिटर रूल करता है द सेम राशि, और इसमें भी ये रेट्रोग्रेशन ले रहा है। तो इस फॉर्म में चलते चलते ये धीरे धीरे हर एक साइन में रेट्रोग्रेड होता है, हर एक साइन में मूव फॉरवर्ड करता है। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में ये हर साइन में मोशन करता रहेगा। तो ऐसे देखने में तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि किस फॉर्म में ये ऐसे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, लेकिन दिस इज बिकॉज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन कहीं ना कहीं। और ये हमारा कंप्लीशन है जहां पे हम लोग ने वापस से अभी स्टार्ट किया था लिब्रा से,
और अब हम लोग इसको एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं कि किस फॉर्म में ये हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक्चुअली सारे मोशन का रिवर्स मोशन होगा, तो इस फॉर्म में वापस से ये चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं। फिलहाल ये तो करने की ज़रूरत नहीं है हमें, और हम लोग करेंट पोजीशंस पे आ जाते हैं। और इस टाइम पे जुपिटर जो है वो लिब्रा में है। सो दैट्स इट गाइस, ये था जुपिटर का 360 डिग्री रोटेशन, दो राशियां, एक एग्जॉल्टेड पोजीशन और कुछ साधारण सी बातें। बट होप आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा इस वीडियो से। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल को, ताकि हम और आपके वीडियोस लेकर के आ सकें। थैंक यू।